गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा नाइन्थ में हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है हीरोन का सूत्र। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम त्रिभुज में जाते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये इसका डायग्राम होता है। यहां ये इसके शीर्ष कहलाते हैं ए बी सी। ए इसका शीर्ष है, बी इसका दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष सी है। तीन इसके अंदर कोण होते हैं, एंगल। पहला कोण है बी ए सी, बी ए सी। दूसरा है, इसको लेते हैं तो ये बीच में आना चाहिए, ए बी सी या सी बी ए बोल सकते हैं। इसको अगर पढ़ना हो तो ये बीच में आना चाहिए, ए सी बी। ये तीन कोण होते हैं। बात आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे कॉमन तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। वैसे त्रिभुज अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उनका अलग अलग सूत्र होता है। त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार से इसका विभाजन किया जाता है, एक कोणों के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। इसको हम हीरोन के सूत्र में लेते हैं। हीरोन का सबसे पहले बात करते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज की। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम हो, 90 से न्यून हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि जिस त्रिभुज में केवल एक ही कोण आएगा, एक से अधिक नहीं आ सकते, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसी तरह से अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज पहला, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा इक्वल हो, समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह से जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हो तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र लिखवा रहे हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। त्रिभुज का जो क्षेत्र होता है उसमें कुछ सूत्र हैं। हमारे नाइन्थ क्लास में जो अभी सिलेबस चेंज होकर आया है उसमें हीरोन का सूत्र दे रखा है, हीरोन के सूत्र से ज्यादा सवाल हीरोन के सूत्र से पूछे जाएंगे। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित हमें सारे सूत्र याद होंगे, तो इसके अंदर महत्वपूर्ण सूत्र लगा के लिखना है, आपको नोट कर लेना है, अच्छी तरह से इनको लर्न करना है, याद करना है। महत्वपूर्ण सूत्र पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बट्टा दो गुना आधार गुना ऊंचाई। दूसरा है हमारे पास समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में ये सूत्र लगा दोगे तो भी मान्य है, जो सूत्र होता है एक बट्टा दो गुना ए गुना बी। यहां पे सबसे पहले बात है ए और बी की बात, ए और बी क्या है, तो ए और बी 90 डिग्री यानी कि समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, एक ए का मान होगा बी का मान होगा, यानी ये 90 डिग्री का कोण जहां बन रहा है ये दोनों भुजाओं से टच कर रहा है ना, वो होती है ए को ए मान लो और ए को बी मान लो। ये सूत्र समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसमें ये लगा दोगे तो भी मान्य होगा। तीसरा हमारे पास आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट तीन बट्टा चार गुणा ए स्क्वायर। यहां ए का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई, यानी जो आपको समान भुजा की लंबाई देगा वो ए होगा। इसी तरह से चौथा सूत्र होता है समद्विबाहु, त्रिभुज का क्षेत्रफल बी बट्टा चार अंडर रूट चार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखें इसको, बी का मान और ए का मान क्या होगा, ए का मान यहां पे समान भुजा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा समान होगी, जिस त्रिभुज की दो भुजा समान होगी तो यहां पे ए का मान होगा समान भुजा की लंबाई और बी का मान होगा असमान भुजा की लंबाई। इस सूत्र के अंदर रख देना, समझो नाइन्थ क्लास में इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है अभी, ये जो मुख्य दे रखा है हीरोन के सूत्र, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहां बात करते हैं हम ए बी सी की पहले, तो ए का मान होता है प्रथम भुजा, बी का मान होता है दूसरी भुजा और सी का मान होगा तीसरी। अब रही बात एस निकालने की, एस यानी कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप,
एस कैसे निकालना है आपको, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बट्टा दो, यानी तीनों भुजाओं का योग करके उसका हाफ कर देना है, बट्टा दो कर देना है, भाग देना है, तो वो एस का मान आ जाएगा। या फिर यदि कई प्रश्नों में ऐसे भी दिया हुआ होता है परिमाप बट्टा दो, ये भी। तो ये बच्चों अच्छी तरह से इनको नोट करें अपनी नोटबुक में और इनको याद करेंगे तो इस प्रश्न को हम आगे कर सकेंगे।